अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक, गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं, एक बार सेवा का मौका। खान ब्रदर्स के छोटे भाई रईस खान का आज काफिला ऐसा निकला कि बड़े बड़े राजनेताओं को देख करके होश उड़ गए। आपको बताते चले कि रईस खान ने कहा कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होगा। हालांकि उनसे जब सवाल किए गए कि क्या आने वाले वक्त में MLC का चुनाव लड़ेंगे या फिर उससे भी ऊपर का चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आगे आगे देखिए क्या होता है। जिस तरीके से रईस खान का काफिला आज सैकड़ों गाड़ियों के साथ निकला और सिवान में पहुँचा, यहाँ भी जोरदार स्वागत हुआ, हसनपुरा में भी जोरदार स्वागत हुआ, उसके बाद बहड़िया भी वो निकल गए, जिस तरीके से लोग स्वागत कर रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में लग रहा है कि सिवान की राजनीति में भूचाल आएगा। ATN लाइव के लिए राजा के साथ चंदन कुमार, सिवान। हमारे साथ मौजूद हैं खान ब्रदर्स के रईस खान साहब। रईस जी, आज देखा जा रहा है कि काफिला है जो एक बड़ा कुछ संदेश देने जा रहे हैं, आप क्या तैयारी है आपकी? राजनीति की तैयारी है, राजनीति करना है। राजनीति की तैयारी है जी? क्या राजनीति की तैयारी है? चेहरे पे काफ़ी मुस्कान देखी जा रही है। ये तो हमेशा रहता है मुस्कान। राजनीति की क्या तैयारी है, थोड़ा सा खुल करके आज बता दीजिए आप। सिवान में राजनीति करना है हमको। राजनीति करना है जी। और देखा जा रहा है कि श्याम बहादुर सिंह काफ़ी आप पे मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, सरकार क्या लग रहा है कि सरकार भी आप पे मेहरबान है? भाई के तरह हैं, श्याम बहादुर भाई भाई के तरह हैं हमारे जी, और हमारे साथ हैं। साथ हैं जी। तो आज जो काफिला आपके गांव से निकला है, ये यहाँ पे देखा जा रहा है, हसनपुरा में भी आपका स्वागत हुआ, जो वीडियो आए हुए हैं यहाँ पे भी स्वागत हुआ, क्या तैयारी है, कहाँ कहाँ जाएंगे आपका काफिला, कहाँ जाएगा? अभी हम फखरुद्दीनपुर जाएंगे, तरवारा होती है फखरुद्दीनपुर, बढ़िया वहाँ बहुत सारी जगह, बहुत से पंचायत में जाना है जी, जी, जी। वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी लोग स्वागत करेंगे जी जी। तो क्या लग रहा है कि अगला जो साल 2022 जो है MLC का चुनाव होगा, क्या माना जाए कि रईस जी की MLC की तैयारी है या फिर उससे भी बड़ी कुछ तैयारी है? अब आगे आगे देखते जाइए क्या क्या हो सकता है। चलिए, ये रईस खान जी थे और आपने देखा कि मुस्कुराते हुए इन्होंने कहा कि आगे आगे देखते जाइए कि क्या होता है। अब क्या होता है यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन रईस खान जिस तरीके से काफिले के साथ निकले हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के होश उड़ जाएंगे इस काफिले को देख करके। हमारे सहयोगी राजा गुप्ता के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।